धर्म के नाम पर दुकान चलाने वालों पर अब गाज गिरने वाली है। हाल ही में जिस तरह गुरमीत राम रहीम कांड ने सरकार के होश उड़ा दिए थे, उससे समस्त साधु समाज का अस्तित्व भी खतरे में आ गया था। संतों, साधुओं और धर्म की पवित्रता को बचाने के लिए अब अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने एक बड़ा कदम भी उठाया है, और ये कदम उन तमाम फर्जी बाबाओं के खिलाफ है जो आस्था के नाम पर भोली भाली जनता का बेवकूफ बनाते हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने प्रथम चरण में 11 ऐसे फर्जी बाबाओं की लिस्ट बनाई है जो गलत तरीकों द्वारा लोगों की आस्था से खिलवाड़ कर रहे थे। अखाड़े द्वारा फर्जी बाबाओं की लिस्ट में जो नाम है वो इस प्रकार है। नंबर 1, आसाराम बापू उर्फ आशुमल शिरमलानी। गुजरात के अहमदाबाद से आस्था और धर्म की दुकान चलाने वाले आसाराम 2013 से एक नाबालिग शिष्या से बलात्कार के आरोप में जोधपुर जेल में बंद हैं। नंबर 2, सुखविंदर कौर उर्फ राधेमा। पंजाब के गुरदासपुर जिले से संबंध रखने वाले सुखविंदर कौर उर्फ राधेमा पर लोगों को आत्महत्या के लिए उकसाने जैसे आरोप चल रहे हैं। एक वक्त में काफी गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाली राधेमा आज अरबों की मालकिन है। नंबर 3, सचिनानंद गिरी उर्फ सचिन दत्ता। बाबा बनने से पहले सचिदानंद नोएडा और गाजियाबाद में रियल एस्टेट और बियर बार जैसे बिजनेस से जुड़े थे। उन पर निरंजनी अखाड़े के धोखे से महामंडलेश्वर बनने के भी आरोप हैं। नंबर 4, गुरमीत सिंह राम रहीम। हाल ही में गुरमीत राम रहीम को 2002 से चल रहे साध्वियों के रेप मामले में 20 साल की सजा सुनाई गई है। 1990 में डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख बने ये बाबा फिल्में भी बना चुके हैं और रॉक स्टार भी रह चुके हैं। रेप के दोषी होने के साथ साथ गुरमीत राम रहीम पर पत्रकार और सेवादार की हत्या का भी आरोप है। नंबर 5, ओम बाबा उर्फ विवेकानंद झा। फर्जी बाबाओं की लिस्ट में ओम बाबा सबसे हैपनिंग बाबा है। न्यूज चैनल पर लात घूंसे बरसाने से लेकर बिग बॉस जैसे शो में बवाल मचाने वाले बवाली बाबा स्वामी ओम पर ठगी चोरी इत्यादि के आरोप हैं। अपने ऊट पटांग बयानों के चलते ओम बाबा आजकल जहां भी जाता है लोग वहीं पीटना शुरू कर देते हैं। नंबर 6, निर्मल बाबा। निर्मल दरबार सजाने वाले निर्मल बाबा कितना पैसा कमाते हैं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बड़े बड़े टीवी चैनल्स पर निर्मल बाबा के दरबार का प्रसारण होता है। कभी समोसा खाकर तो कभी काले बैग में पैसे रखने जैसे उपाय बताने वाले निर्मल बाबा पर आय से अधिक संपत्ति समेत कई मामले दर्ज हैं। नंबर 7, भीमानंद महाराज। भीमानंद महाराज का असली नाम शिव मूरत द्विवेदी है। 2.5 दशक पहले ये बाबा दिल्ली के एक 5-स्टार होटल में गार्ड की नौकरी करता था। 5-स्टार जैसी जिंदगी का शौकीन शिव मूरत बाबा बन गया और 10-12 सालों में ही करोड़ों की संपत्ति भी बना ली। भीमानंद बाबा पर चीटिंग और सेक्स रैकेट चलाने जैसे आरोप लग चुके हैं। नंबर 8, असीमानंद। फर्जी बाबाओं की लिस्ट में असीमानंद का भी नाम है। असीमानंद का असली नाम नब कुमार है और 2007 अजमेर दरगाह विस्फोट मामले में भी वो आरोपी रहे हैं। अजमेर, हैदराबाद और समझौता एक्सप्रेस विस्फोट मामलों में सन 2010 को उन्हें उत्तराखंड में गिरफ्तार किया गया। नंबर 9, बृहस्पति गिरी। बृहस्पति गिरी पर जालसाजी से मंदिरों पर अधिकार हासिल करने का आरोप है। नंबर 10, नारायण साईं। आसाराम के बेटे नारायण साईं का नाम भी अखाड़े के फर्जी बाबा सूची में शामिल है। स्वयं को महंत घोषित कर चुके नारायण साईं पर यौन शोषण और हत्या के गंभीर आरोप हैं। नंबर 11, रामपाल। बाबा बनने से पहले रामपाल हरियाणा सरकार के सिंचाई विभाग में जेई था। बाद में नौकरी छोड़ प्रवचन देना शुरू कर दिया। अपने आप को भगवान बताने वाले रामपाल पर देशद्रोह के मुकदमे के अलावा हत्या का केस भी दर्ज है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी के अनुसार अभी और फर्जी बाबाओं पर नकेल कसने की तैयारी है और कोशिश है कि 2019 के अगले अर्धकुंभ में इन फर्जी बाबाओं के प्रवेश पर रोक लगाई जाए। क्या इन फर्जी बाबाओं पर रोक लगानी जरूरी हो चुकी है? अपनी राय कमेंट में देना ना भूलें। इंडिया की तमाम तरह की खबरों के लिए हॉट इंडियन न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।